वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। और रिएक्शन करने लगी हूँ सलमान खान के एटीट्यूड मूवमेंट्स, एटीट्यूड वीडियोस के पता नहीं कौन से पार्ट पे इतने पार्ट्स किए हैं कि आपको तो याद नहीं है ये पार्ट कौन सा, लेकिन लग सी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करना और बताते रहिए किस पे रिएक्शन करूँ। सजेशन जो आप लोग दे रहे हैं मुझे अच्छे लग रहे हैं और मैं उन पर रिएक्शन भी कर रही हूँ और मुझे मज़ा भी आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ नए लोगों को एक्सप्लोर कर पा रही हूँ, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आगे वीडियोस मजीद मज़े के आने वाली हैं। तो जल्दी से वीडियो को प्ले करते हैं। और सलमान खान से ज़्यादा बिग बॉस OTT सीज़न 2 का होस्ट भी जो है वो सलमान खान ही करने वाले हैं। सो अब आएगा OTT सीज़न 2, देखने वालों को भी मज़ा। और मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं इस दफ़ा ज़रूर देखूँगी और मैं रिएक्शन भी ज़रूर करूँगी। कौन से कंटेस्टेंट्स हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस दफ़ा कौन से कंटेस्टेंट्स जा रहे हैं। और आई थिंक 29th of May को जो है लग रहा है ये बिग बॉस OTT ऑनियर होगा। सो इंतज़ार है। इसके अलावा ज़रूर इस पे भी, इस शो पे भी ज़रूर रिएक्शन करने वाली हूँ मैं। तो जल्दी से वीडियो को प्ले करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करना है। लास्ट पे वीडियो जब सलमान खान की बात करें तो जब भी वो आते हैं ना तो वो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं तब उनके पीछे हो जाते हैं। ये तो सही बात है, लुक ही ऐसी है, पर्सनालिटी ही ऐसी है, बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी है। शाहरुख और सलमान खान की दोस्ती पे भी मैं रिएक्शन कर रहा हूँ। भाई अकेले काफी है, भाई अकेले पूरी इंडस्ट्री के बराबर है। भगवान से दुआ करता हूँ कि उसमें बच्चन को आपने गले लगाया। जी हाँ, अभिषेक बच्चन से मेरा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अपने हाल ही में शाहरुख खान को गले लगाया। जी सर, अभी उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। विवेक ओबरॉय को आप उसको नहीं गले लगाता वो सर, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। देखा तेरे नाम का जो स्टाइल था ना, ये कोई नहीं कर सकता सलमान खान के अलावा। तेरा खास बटन है। वाओ, ये वांटेड मूवी का सीन है ना। आई एम द कॉर्नर हिप। I love watching you grow, but sometimes all I think about is you. जो यंग एज में लुक थी और अब वाली लुक थी, आप कौन सी ज्यादा पसंद करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वाली जो लुक है वो ज्यादा ग्रेसफुल है। What comes to your mind when I say the following name? सलमान खान। ओ, ये क्लिप देखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सलमान के साथ पूरी फिल्म बतौर हीरो हीरोइन क्यों नहीं? मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद सलमान जी जो बड़े स्टार बन गए, फिर उन्होंने कहा जूही के साथ नहीं गाना। रियली जूही चावला के इंटरव्यू में मैंने सुना हुआ कि उसने बहुत से एक्टर्स को मना किया था और वही एक्टर्स अब सलमान खान शाहरुख खान बन गए। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ये वाला क्लिप भी कहीं देखा हुआ है। अरे अपना कोई क्या बिगाड़ेगा, अपनी तो किस्मत ही उसने लिखी है जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बहुत सारे हीरो थे लेकिन मैंने सब लोगों को रिजेक्ट किया। अभी तेरे को लेता बिकॉज तू हैंडसम है और माशाल्लाह क्या बॉडी है, बाप रे। ये कौन सा शो था? ये क्लिप भी मैंने देखा हुआ। एक पॉप क्विज दूं आपको मैं? हाँ, पॉप क्विज। ओके, अबाउट अवार्ड्स। हाँ या, वो कौन सा एक्टर था जिसने पहली बार जिंदगी में किसी अवार्ड फंक्शन पे पैसे मांगे थे परफॉर्म करने के? सलमान खान। ये कल्चर फिर चला होगा कि ऑब्वियसली परफॉर्म करना है, इतनी मेहनत करनी है, रिहर्सल करनी है, तो वो पैसे भी मिलना चाहिए। ये है कि सलमान खान एक ऐसा सितारा है जिसे अगर खरोच भी आ जाए तो हिंदुस्तान के मंदिर से लेकर के मस्जिद तक भीड़ लग जाती है। दुनिया के करोड़ों आपके फैन हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। जी,
शुक्रिया। मैं आपका बिगेस्ट फैन हूँ जी, नॉट बिकॉज ऑफ यू आर नॉट अ फेमस सेलिब्रिटी, बिकॉज ऑफ बिग बॉस में आई थिंक सुना था डाबोली ना ऐसा। लोगों की मदद करते हैं, उनका इलाज करते हैं, उन्हें रहने के लिए मकान देते हम ये सोचते थे कोई ऐसा नहीं जो बनाए दीवाना। ये सॉन्ग पता नहीं कॉपीराइट की वजह से उड़ी ना जाए। हम ये सोचते थे कोई ये पुलिस वाला सीन है और पीछे गाना लगा हुआ है एमसी स्टैन का। ये भी वांटेड मूवी का सीन है। अपनी मूवीज में सलमान खान फिजिकली बहुत पावरफुल जो है वो दिखाया नजर आता है ना, मतलब उसको रोल ऐसा मिलता है। मोस्टली हीरोज जो है फिजिकली बहुत पावरफुल दिखाए जाते हैं मूवीज में। और है तो पुलिस को ये मार पड़ रही है यार। ये एक्शन इस मूवी का मुझे लग रहा है अच्छा है। एक्सप्रेशन नाइन्टीज एरा ऑफ सलमान खान। पहले 90s में ही वॉज क्यूट, नाउ ही इज वेरी ग्रेसफुल, तो ये डिफरेंस है लुक्स में। गाने की बात मुझे तो नहीं आ रही है, आपको आ रही है? मूवीज में मोस्टली सलमान खान का नाम प्रेम होता था पहले, है ना? आंखें लाल लाल क्यों हैं? हाँ, रात को नींद नहीं आएगा। नींद गई, चैन गया, मेरे भाई भूख भी लगती है कि वो भी गई। वो भी गई। ये मूवी इतनी ज्यादा सुपर डुपर हिट थी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आई थिंक नया नया था ये वाला। सो ये सारा जो वीडियो थी इस पे मुझे ये देख के मुझे जो है मैं कंपैरिजन कर पाई हूँ कि 90s का सलमान खान और अब वाला सलमान खान में ये डिफरेंस है जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि पहले लुक्स थोड़ी क्यूट थी बिकॉज ही वॉज सो यंग और अब ज़्यादा ग्रेस है, अब बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी डिफरेंट है एंड द वे ही वॉक्स द वे ही टॉक्स सब कुछ कमाल है। सो मज़ा आया वीडियो देख कर। और तेरे नाम का ये जो सीन थे ना, ये तेरे नाम की स्टोरी आई थिंक तब बड़ी नई नई स्टोरी थी, अब हर स्टोरी पर इतनी मूवीज बन जाती हैं कि कुछ यूनिकनेस नहीं लगती। लेकिन पूरी दुनिया की मूवीज़ की मैं बात कर रही हूँ, हर जगह पे एक एक स्टोरी पे कई कई मूवीज़ बनी होती हैं, लेकिन तब ये नया कॉन्सेप्ट था आई थिंक कि इतना ज़्यादा यू नो रूट सा लड़का बताया हुआ था, देन ही फेल इन लव विद अ वेरी सिंपल गर्ल। सो कबीर सिंह को मैंने सुना है कि इसकी जगह से उन्होंने थोड़ा सा करने की कोशिश की हुई है। सो वो भी बहुत सुपर डुपर हिट थी, लेकिन तेरे नाम का कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।